अब खबरदार करना है आपको सत्ता में रहकर नियम तोड़ने की आजादी सोचने वालों के खिलाफ। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई है, जहां के पशुपालन मंत्री ट्रेन पकड़ने स्टेशन गए। स्टेशन क्या गए, पूरी गाड़ी लेकर सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए। लोग कहने लगे हैं कि वो तो कहो मंत्री जी ने ट्रेन बाहर नहीं बुलवा ली, बस गाड़ी ही प्लेटफॉर्म तक ले गए। नाम है धर्मपाल सिंह, पद है पशुपालन मंत्री उत्तर प्रदेश का, और चर्चा में है अपने वीवीआईपी रौले की वजह से, क्योंकि मंत्री जी को पकड़नी थी ट्रेन और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के बाहर हो रही थी बारिश। गाड़ी बाहर रुकती, मंत्री जी भीग जाते, ट्रेन पकड़ने में भी शायद लेट हो जाते, लिहाजा सफेद रंग की चमचमाती कार मंत्री जी की रैंप से चढ़कर भीतर प्लेटफॉर्म एक तक पहुंचा दी गई। पूरी कहानी आगे की संवाददाता आशीष बताते हैं। इस रैंप के जरिए पैदल लोग ऊपर आते हैं, और या अगर कोई विकलांग है तो वह इस रैंप के जरिए ऊपर आता है, और यहाँ से ये जो प्लेटफॉर्म का एरिया है, इस प्लेटफॉर्म के एरिया पर आने के बाद ये जो एक्सीलेटर लगा हुआ है, इस एक्सीलेटर के जरिए वो ऊपर यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकता है, क्योंकि जो मंत्री जी थे उनकी जो गाड़ी थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे थी, तो वो यहाँ तक जाना चाह रहे थे। संभव है कि मंत्री इसके लिए भी कोई जरूरी वजह बताकर प्लेटफॉर्म 1 के पास तक अपनी गाड़ी ले जाने को सही ठहरा दे। अब ये तो जनता को समझना होगा, और समझना होगा रेलवे विभाग को, क्या आम आदमी ऐसा करता तो उसे छोड़ दिया जाता, और क्या मंत्री जी पर प्लेटफॉर्म तक अपनी कार लेकर पहुंचने के बदले कोई कार्रवाई नहीं होगी। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। खबरदार करती अगली खबर हिमाचल प्रदेश से एक बार फिर आई है, जहां पिछले हफ्ते शिमला से मंडी तक तबाही लौटी थी। कुछ दिन बीते और आज फिर कुल्लू से ऐसी तस्वीरें आईं, जिसने भी देखा वो कहने लगा ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, जब 30 सेकंड के भीतर एक साथ इमारतें ढहती चली गईं। इस हादसे से पहले इन इमारतों से लोगों को निकाल लिया गया था। जब कुल्लू में बनी इन इमारतों में से किसी एक भी ईंट खिसकी तो क्या हुआ ये देखिए। एक इमारत गिरी, उससे जुड़ी हुई दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, सिलसिला शुरू हो गया। पहली इमारत के साथ की इमारत, उसके ऊपर की ओर की इमारत, उसके साथ की इमारत, सब एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढहती चली जा रही थी। ना कोई बारिश, ना कोई बाढ़, ना कोई हलचल, लेकिन पहले हो चुकी बारिश ने इन इमारतों की नींव को कमजोर कर दिया, इनमें दरारें आ गई थी, और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। एक के बाद एक कम से कम 7 बहुमंजिला इमारतें चंद पलों में धूल में गायब हो गई। अब जरा कुल्लू में हुए इसी हादसे की 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हादसे वाली जगह के ठीक सामने की है, जहां इतना गुबार उठता है कि कुछ दिखना बंद हो जाता है। दूसरी तस्वीर घटना स्थल से कुछ दूर से ली गई थी। तीसरी तस्वीर घटना वाली जगह से काफी दूर ऊंचाई से ली गई, और चौथी तस्वीर हादसे के बाद सूरत-ए-हाल को बयां करती नजर आ रही है। यह हादसा कुल्लू के आनी बस स्टैंड नाम की जगह पर हुआ। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक जो इमारतें इस हादसे में धराशायी हुई उनमें कुछ दिन पहले ही दरारें आ गई थी, और एहतियातन प्रशासन ने उनमें से लोगों को हटा दिया था। आनी के SDM नरेश वर्मा के मुताबिक करीब 3 दिन पहले ही इन भवनों में से लोगों को हटाकर सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया था। हालांकि जिस तरह एक के बाद एक इमारतें गिरी उसमें अंदेशा है कि आसपास मौजूद कोई शख्स इस मलबे में न फंस गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह हादसा सुबह 9:40 के आसपास हुआ। इस हादसे में जो इमारतें ढही उनमें 2 इमारतों में कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट बैंक चल रहा था। हालांकि जुलाई में आई जबरदस्त बारिश के बाद इन इमारतों को खाली करा दिया गया था। मनविंदर अरोड़ा, कुल्लू आज तक।
देश के पहाड़ों पर बसे शहरों को बचाने को खबरदार करती खबर 48 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट से आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या एनजीटी के नियम के अनुसार पहाड़ी राज्यों में विकास का कार्य हो रहा है। अब अगले सोमवार तक केंद्र को ड्राफ्ट रिपोर्ट देते हुए सुप्रीम कोर्ट में बताना है कि पहाड़ी राज्यों में विकास के काम नियमों की अनदेखी करके हो रहे हैं या फिर नियमों का पालन करके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो देखेगी कि लोकप्रिय पर्यटक वाले जो स्थल हैं, जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, वहां प्राकृतिक रूप से कितने लोगों की क्षमता है, इसका आकलन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि पहाड़ के कई शहरों में क्षमता से कहीं अधिक लोग और वाहन पहुंच रहे हैं, साथ ही अंधाधुंध निर्माण हो रहा है जिससे पहाड़ के शहर खतरे में हैं। इसी सच से खबरदार आज तक ने भी आपको किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है और हालत यह है कि पहाड़ से गिर रहे मलबे ने केवल सड़कें नहीं रेलवे स्टेशन को भी बाधित कर दिया है। पहाड़ से पूरा मलबा रेलवे स्टेशन पर आ गिरा है। आसमानी आफत से हिमाचल त्राही त्राही कर रहा है। आसमान से चंद बूंदे नहीं बरसती कि पहाड़ पिघलने लगते हैं। देखते ही देखते पहाड़ से गिरता पानी अपने साथ मिट्टी, मलबा, चट्टान, पेड़, पहाड़ सब कुछ साथ लेकर नीचे गिरता है। इसके बाद जमीन पर हालात कुछ ऐसे नजर आते हैं। यह हालात है रेलवे स्टेशन की शेड का। सोचिए, जब पहाड़ से ये मलबा इस शेड पर गिरा होगा तो यहां क्या मंजर रहा होगा। गनीमत रही कि इस पहाड़ी ढलान के ऊपर बनी सड़क तक की मिट्टी नहीं खिसकी, वरना और बड़ा हादसा हो सकता था। कुदरत का कहर कहीं ना कहीं शिमला शहर समेत पूरे हिमाचल पर जमकर बरस रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं शिमला रेलवे स्टेशन की है और रेलवे स्टेशन पर ट्रैक के ऊपर किस तरीके से पूरी छत आ गिरी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही वो पहाड़ जहां से लैंडस्लाइड हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। गनीमत यह है कि ऊपर आप देख सकते हैं सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है। अगर ये लैंडस्लाइड थोड़ी सी ऊपर और बढ़ जाती तो यहां पर जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। अगर फौरी तौर की बात करें तो शिमला कहीं ना कहीं सड़क मार्ग के साथ साथ अब रेलवे मार्ग से भी पूरी तरीके से कट चुका है। सारी ट्रेन यहां से जाने वाली रद्द हो गई हैं और सड़क मार्ग की अगर बात करें तो दिल्ली से लेकर शिमला तक तकरीबन 7 से 8 जगह पर लैंडस्लाइड हुई है। जगह जगह पर रास्ता बंद है। पहाड़ से स्टेशन पर आए मलबों की ये हालत हो गई कि शिमला जाने वाली आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेन रद्द करनी पड़ी। हालांकि मलबा हटाने का काम चालू है लेकिन फिलहाल आवाजाही बंद पड़ी है। हिमाचल के उस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ जो कभी टूरिस्टों से, पर्यटकों से गुलजार रहता था। और यहाँ पर अब आप देखिए, सबसे पहले ये बोर्ड दिखाता हूँ जहाँ पर हर ट्रेन के आगे लिखा हुआ है कैंसल कैंसल कैंसल, यानी कि मौजूदा वक्त में एक भी ट्रेन यहाँ से नहीं है।